हेलो दोस्तों, मैं हूँ आप देख रहे हैं बजीज प्रोडक्ट ब्रीडिंग चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक बड़ा खास है, क्योंकि आज की वीडियो में आपको ये बताना है कि अगर आप बिजनेस शुरू करते हो, मतलब बिजनेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो किस बर्ड्स का आप शुरू करो ताकि आपको प्रॉफिट हो। सही है, तो आज की वीडियो शुरू से लेकर एंड तक देखें ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। वीडियो पसंद आती है तो उसको लाइक करो, शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे आपके लिए नए नए वीडियो लाता हूँ। वीडियो स्टार्ट करें। नाज़रीन, आपको पता है कि जो अक्सर जो लोग होते हैं वो बजरी से स्टार्ट करते हैं। सही है, क्योंकि बजरी एक ऐसा परिंदा है जो अच्छी तरह ब्रीड भी करता है, ज़्यादा ब्रीड करता है, उसके बच्चे मतलब वो हाथ के हाथ बिक जाते हैं। अगर आप बिजनेस में अगर बजरी लगाओगे तो आपको फ़ायदा इतना नहीं होगा। सही है, इसका मैं रीज़न आपको बता सकता हूँ कि अभी अक्सर भाइयों ने मतलब अक्सर जितने भी हमारे दोस्त है शाइकिन है, इन्होंने मतलब बजरी का सेटअप लगाया है। सही है, अभी जाहिर सी बात है, जब एक ही आइटम पे सब लोग काम करेंगे, सारे लोग बिजनेस करेंगे तो उसकी वीडियो कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि हर बंदे के पास एक ही मतलब बजरी है, बजरी सबों ने बजरी रखा हुआ है। तो जब वो सेल करने के लिए आते हैं तो आपने देखा होगा कि मार्केट में कितना बजरी पेरोट मतलब बजरी से वो कितना लिया जाता है और बिका भी जाता है। सही है, और जो जाल वाले वो भी कितना बढ़ बढ़ के बजरी लेके जाते हैं, तो इसकी वजह से इसकी डिमांड कम हो गई। और आपको मैं ऐसी चीज़ अगर बताऊँगा, अगर आप वो रखोगे तो आपको उम्मीद है फ़ायदा होगा। सही है, तो बजरी की तो बात करें तो बजरी तो बिल्कुल इसके रेट भी बिल्कुल सही नहीं है। अगर रेट भी सही होते तो भी इतना आपको फ़ायदा नहीं देगा। जो चीज़ मैं बताऊंगा अगर वो आप रखोगे अपने सेटअप पे तो इंशाल्लाह आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। सही है, अब आते हैं फ़ायदे की तरफ। अभी अगर आप होमोरोमो का एक पेड़ लाते हो, सही है, होमोरोमो जो आपने देखा होगा कि जो फ्लावर वाला बर्ड्स होता है, अगर होमोरोमो का आप एक पेड़ लाते हो तो आपको एक पेड़ कितने का मिलेगा? 7 से 8 हज़ार रुपये का एक पेड़ मिल जाता है। सही है, होमोरोमो का मतलब सिंपल हो, कोई इसमें ऐसे कोई रिडाइस नहीं, कोई फेलो नहीं, खाली सिंपल होमोरोमो। सही है, आपको 7 से 8 हज़ार रुपये तक का आराम से मार्केट में मिल जाएगा। इसकी यही रेट चल रहे मार्केट में। सही है, तो अब अगर इसको एक पेयर अगर आपने होमोरोमो का लिया हुआ है, सही है, अगर आपने एक पेयर होमोरोमो का लिया हुआ है और आप मिसाल है कि आपने 50 जोड़े बजरी के रखे हुए, सही है, 50 जोड़े बजरी के रखे हुए और एक पेयर आप होमोरोमो का रखे, फिर आप देखें कि आपने मुनाफा किस में कमाया है। अब जाहिर सी बात है होमोरोमो में आराम से मुनाफा कमा लोगे, क्योंकि वो एक पेयर है, अगर मिसाल एक मरतबा ब्रीड करता है, सही है, अगर वो दो बच्चे भी अगर आपके निकालते हैं, अगर वो बड़े हो जाएंगे तो आप बेचोगे तो आराम से आपके पास 7 हज़ार रुपये नहीं तो 6 हज़ार रुपये तो आराम से आ जाएंगे। सही है, 5-6 हज़ार रुपये के आराम से इसके पट्टे बिक जाते हैं, क्योंकि ये ज़्यादा अभी इसकी भी थोड़ी मतलब होमोरोमो की पहले ज़्यादा डिमांड थी, लेकिन अभी इसकी भी थोड़ी डिमांड कम हो गई, लेकिन अभी इसकी डिमांड थोड़ी चल रही है। सही है, क्योंकि पहले ज़्यादातर बाहर से ब्रीड मतलब बायर ब्रीड होती थी, लेकिन अभी हमारे जो पाकिस्तान है यहाँ पे भी ब्रीड होती है। सही है, पहले बायर से आता था बर्ड्स ही, लेकिन अभी यहाँ पे भी फार्मों में जैसे लोग ब्रीड करवाते हैं इसकी, तो ये क्योंकि इसके मतलब पहले ये मिलता था 10-10, 12-12 हज़ार रुपये का एक पेड़ मिलता था ये होमोरोमो किसी ज़माने में। सही है, लेकिन अभी ये थोड़ा सस्ता हो गया, तो ये 7 से 8 हज़ार रुपये का आपको आराम से पेड़ मिल जाएगा। तो आप अगर होमोरोमो के अगर एक पेड़ भी रखते हैं तो ये अगर फर्स्ट टाइम ब्रीड करेगा तो ये आपसे मतलब जो इसके पैसे होंगे वो आराम से निकाल लेगा। सही है, जैसे आप जो पेड़ आपने ख़रीदा है उसके पैसे तो आराम से आपके पास आ जाएंगे। नेक्स्ट टाइम ब्रीड जब ये करेगा तो आपका वो मुनाफा होगा। सही है, तो आप समझ रहे हैं, अगर आप 50 जोड़े बजरी के लगाओ, एक जगह 50 जोड़े बजरी के रखो, एक जगह खाली होमोरोमो का एक पेड़ रखो, आपको अगर बजरी के भी आप अगर सारे पट्टे भी अगर बेचोगे, जो पट्टे निकलते हैं अगर आप बेचोगे तो आपको इतना फ़ायदा नहीं होगा जितना होमोरोमो में आपको एक पेड़ इतना फ़ायदा दे के जाएगा। सही है, उसकी खाने की बात करें तो जो बजरी खाता है वो यही खाता है। सही है, सोफ़ूड वगैरह भी जो बजरी को आप देते हो, मेडिसिन है जो बजरी को देते हो, जो बाजरा बजरी खाता है वही सारी चीज़ें ये खाता है। इतना नहीं कि ये बजरी ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, होमोरोमो ज़्यादा खा रहे हैं या कम खा रहे हैं, दोनों बराबर ही खाते हैं। सही है, दोनों के एक ही डाइट है, दोनों का एक ही मेडिसिन है, दोनों के एक ही चीज़ है। सही है, हर चीज़ मटकी वगैरह सब यही है, खाली बस ये कि इसको थोड़ा होमोरोमो को थोड़ा टाइम लेता है ब्रीड करने में। सही है, और ये जो ब्रीड मतलब जब ये करता है तो ये ज़्यादातर लोग इसलिए इसको रखते नहीं है, क्योंकि ये जब ये ब्रीड करता है तो ये अपने जो बच्चे होते हैं
अंडे जो होते हैं इसको ये ख़राब कर देता है ओमोरोमो, इसलिए ज़्यादा इसकी थोड़ी डिमांड है अभी। तो आपसे यही कहूँगा कि ओमोरोमो का अगर पेड़ लगाते हो तो आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको ये बताऊँगा कि ओमोरोमो के बच्चे आप अगर आपने पेड़ रखा हुआ है तो ओमोरोमो के बच्चे से मतलब आप जाहिर सी बात है अंडे देता है तो ये ख़राब कर देता है। अभी 2-3 अंडे भी अगर ये देगा ख़राब कर देगा तो आपका नुकसान होगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आपने इससे अच्छी तरह बच्चे निकालने मतलब ज़्यादा बच्चे इससे लेने तो आप क्या करो। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि मैं ऐसे ही नई वीडियो आपके लिए लाता रहूँ। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, दुआ में याद रखना, अल्लाह हाफिज़।